ऐसे प्रोग्राम्स करने का मैसेज क्या है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है। मैसेज यही है कि जो हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, आर्मी का जो इंस्टीट्यूशन है, इनका एक अपना एक रोल होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर में जो है, वो लोगों का दिल जीतना, नौजवानों का दिल जीतना, उनको एहसास देना इस चीज़ का कि हम एक हैं, हमारा एक मुल्क है, हमारा एक अपना वतन है, उसमें एक इनका एक बहुत बड़ा रोल बन जाता है, एक और इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत है इस सिलसिले में। तो मैंने नॉट ओनली एज ए पॉलिटिशियन, बट एक आम शहरी होने के नाते भी अपनी बात रखी इनके सामने कि हमें किस तरह अपने नौजवानों का जो है दिल जीतना चाहिए। लेकिन ये एक तरफ़ा चीज़ें नहीं होती हैं, ये दोनों तरफ से होता है। देखिए, ये जो रियासत है, ये बाकी रियासतों से थोड़ा मुख्तलिफ है, इस वजह से यहाँ का जो यूथ है वो वनरेबल भी है। तो हमें सबसे पहले उस यूथ को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है कि ये उनका अपना मुल्क है, ये कोई गैर नहीं है, वो लोग वो हमारे अपने ही। अब बदकिस्मती से कि मैं उस चीज़ में जाना नहीं चाहूँगी कि क्या रीज़न्स रहे कि कुछ यूथ हमसे थोड़ा दूर है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है, मैं नाउम्मीदी जो है मैं उसमें यकीन नहीं रखती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हमारे नौजवान जो हैं, कश्मीर के नौजवान, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में जो है, आप ये ना सोचा करें कि सूफी कल्चर गाने बजाने का नाम है, नहीं, ये कुछ अलग चीज़ है। लेकिन हमारा सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है हमारे नौजवान को कि चाहे कुछ भी हो जाए, कश्मीर के लोगों की सोच जो है किसी चीज़ से बदलेगी नहीं, और उनकी सोच जो है, बेसिक उनका जो है प्रिंसिपल जिस पे वो हमने अडॉप्ट किया है, वो सूफी कल्चर है, और हमारे इस सूफी कल्चर में जितना लोग, तो मैं यही अपील करूँगी नौजवानों को कि वायलेंस से कोई चीज़ हासिल नहीं होती। दुनिया की कोई भी हिस्ट्री आप पढ़ें, किसी भी जगह की आप हिस्ट्री पढ़ें, अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट ने जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत की है वो है वायलेंस। मैं कोई बहुत बड़ी नमाज गुजार या स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये अकीदा है, सजदों में रहने से नहीं मिलता है खुदा, दिल में खुदा होना चाहिए, हज़रत इकबाल ने फरमाया है। तो मेरी यही गुजारिश है उनसे, ख़ासतौर पे अपने यूथ से, नौजवान से, हमने बहुत सारा बहुत कुछ देख लिया, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि अगर कोई बच्चा हमारा वायलेंस की तरफ से है, तरफ की तरह पे है, उनको वायलेंस का रास्ता छोड़ के ये समझना चाहिए कि ये हमारा वतन है, और इसी तरह ज़िम्मेदारी दूसरी तरफ भी है, इतनी ही ज़िम्मेदारी। मैं क्यों एक इंस्टीट्यूशन के बारे में कह रही हूँ, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशन बड़ा क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है, इसलिए मुझे ये उम्मीद है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूथ की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए।